देश का नाम बदल रहा है, सियासत शुरू हो चुकी है, एक तरफ इंडिया तो दूसरे तरफ भारत की बात हो रही है। लेकिन नाम बदलने से क्या लोगों की तकदीर बदल जाएगी? आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों जरूरत पड़ी भारत करने की? हालांकि भारत पहले से ही था। आखिर इंडिया हटाने से क्या पहचान खत्म हो जाएगी, और इंडिया हटा देने से क्या क्या बदलना होगा ये भी सोचना होगा। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी 2024 के चुनाव के ठीक पहले कि देश का इंडिया हटाने की बात तेजी से की जा रही है? सरकारी कागजों में तो नाम बदले भी जाने लगे हैं, सियासत इसी बात को लेकर की जा रही है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, एक तरफ इंडिया है दूसरे तरफ भारत है, तस्वीर वही है, तकदीर भी यही है, बस नाम बदल रहा है, क्योंकि एक मिटाने के पीछे तुला है, एक बचाने की बात कर रहा है। हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और दूसरे तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी की तस्वीर है। भारत इंडिया इसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल विपक्षी एकजुटता के जिस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा, उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठाने लगे थे। मामला न्यायालय तक पहुंचा था, नाम पर आपत्ति जताई गई तो कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। फिर क्या था, आरएसएस के चीफ एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां कहते हैं कि जब कोई विशेष होता है तो उसका अलग अलग नाम नहीं रखना चाहिए, उसको इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए। मोहन भागवत साहब ने इंडिया का जिक्र तक नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, वो भारत की भूमि है, इसलिए यहां भारत कहना उचित होगा। फिर क्या था, मोहन भागवत के मुख से निकला वो शब्द देश की तकदीर बनने के लिए दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके पूरे बीजेपी के जो लोग हैं, केंद्र में सरकार है, बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, वो जश्न मनाने लगे कि अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक इंडिया को बदल दिया जा रहा है। भाई साहब, देश का नाम है, उसे अंग्रेजों ने दिया या किसी अन्य ने, वो चर्चा नहीं, बल्कि चर्चा ये होनी चाहिए कि तकदीर भारत की कैसे बदलेगी, नाम बदलने से नहीं होता। वैसे तो भारत इंडिया सहित कई नामों से यह देश जाना जाता है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि इस देश की पहचान अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग से है, अलग अलग नाम से है। जिस इतिहास की बात की जाती है, उस इतिहास की अगर हम बात करें तो तमाम धार्मिक ग्रंथों में भारत की जो मूल नाम की चर्चा है, वो अलग अलग युग में अलग अलग मंत्रोच्चारण के साथ लिया जाता रहा है। जो शासक सबसे ज्यादा ताकतवर हुए, वही नाम अपने अनुसार रख लिए। भारतवर्ष, भारत खंडे, आर्यावर्ते, कई तरीके से इस देश की नाम है और इसकी पूजा हम करते हैं। मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ इंडिया दूसरे तरफ भारत, ये भारत के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो भारत भी मानते हैं, इंडिया भी मानते हैं, आर्यावर्त और भारत खंडे भी मानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि ये लोग कल भी, नाम इंडिया रहे या ना रहे, इसका नाम भारत ही हो जाए, दस्तावेजों से नाम भले ही मिटा दिए जाए, लेकिन इनकी तकदीर कैसे मिटेगी, इनकी समस्या का समाधान इंडिया में रहकर मिटेगा या भारत में रहकर, ये बड़ा सवाल है। आखिर इनकी बेरोजगारी, इनकी मजबूरी, इनकी समस्या का समाधान कहां होगा? अगर नाम बदल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, भूखों के पेट में, उनकी थाली में अगर रोटी और निवाला मिल जाएगा, तो हर कोई नाम बदलने से एतराज नहीं करेगा, क्योंकि यह दुश्मन देश की बात नहीं है, ये अपने देश के अनेकों नाम में से किसी एक नाम की चर्चा की है। लेकिन नाम बदलने से क्या क्या बदलना होगा वो हम चर्चा करेंगे। केवल भारत कर देने से दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान नहीं खत्म होने वाली है, दुनिया में इंडिया की पहचान नहीं खत्म होने वाली है, इंडिया से भारत
को नहीं धुंधला किया जा सकता है जिस तरीके से भारत से इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और अन्य जो नाम है उसको धुंधला नहीं किया जा सकता है। नाम मिटाए नहीं जा सकते हैं, और मिटाने की भी कोशिश की जाएगी तो किन किन जगहों से मिटाना होगा, क्योंकि हमारे तमाम जो सरकारी दस्तावेज, जो हमारी पहचान के दस्तावेज है, जिससे हम इस देश में, इस मुल्क में रहते हैं, ये बताया जाता है कि हम कौन है, मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, हम इंसान है या जानवर, मेरी पहचान क्या है, उस दस्तावेज से इंडिया को कैसे मिटाया जाएगा। और मिटाया जाएगा तो फिर नया बनाया जाएगा, नाम बदल देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। देखिए अगली तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं, तस्वीर में देखिए किस तरीके से भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, वन नेशन टू नेम्स ये चल रहा है। एक तरफ देश, तिरंगा, हमारी पहचान, हमारे वो रंग जिस रंग से दुनिया में हमारी पहचान है, और दूसरी तरफ ये लोग जो महात्मा गांधी के पीछे चल रहे हैं, ये वो भारत, वो हिंदुस्तान, वो इंडिया के लोग हैं जिनके रहने पर, जिनके बोलने पर, जिनकी पहचान पर अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि नाम बदल रहा है। केवल नाम बदल देने से हम बार बार कह रहे हैं कि ना समस्या बदल सकती है और ना ही तकदीर। आगे आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इंडिया और भारत लोगों के बीच जो जंग छिड़ी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इंडिया, क्या भारत, केवल दो राजनीतिक दल के लोग, दो गठबंधन के बीच देश के करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के साथ दुनिया भर के लोग भारत को जानते हैं, इंडिया के साथ दुनिया भर के लोग भी जानते हैं, लेकिन जब भारत के अंदर, भारत के कानून के अंदर, भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है, उस सिद्धांत के तहत जो हमारी पहचान इंडिया और भारत है, उसको कैसे मिटाएंगे, और मिटाने की शुरुआत करना भी होगा तो किस तरीके से। आपके पासपोर्ट पर से इंडिया हटाना पड़ेगा, आपके जेब में रहने वाली नोट, बैंक की तिजोरी में रहने वाली वो नोट, आपके जरूरत की पूर्ति करने वाले वो कागज के पन्ने जिसको हम रुपए कहते हैं, उस पर से इंडिया हटाना होगा, और आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके आधार कार्ड, सब जगह से आपको इंडिया हटाना होगा। देखिए किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको यहां बदलना पड़ेगा, कहां कहां से नाम बदलिएगा, क्योंकि भारत, इंडिया और अन्य जो नाम है इस देश के, इस मुल्क के, इस मिट्टी के, वो हमारे रोम रोम में बसे हैं, हमारे रंग रंग में इनकी पहचान है, और इस अनेकों नाम से ही हम जाने जाते हैं, हम पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारे रंग में ये सब नाम समाहित है। हमारी एक पहचान किसी एक शब्द से नहीं बन सकती है और ना ही मिट सकती है, हम इन तमाम रंगों के साथ इन नामों में समाहित है, तब जाकर हमारी एक पहचान बनी है, क्योंकि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किन किन जगहों से मिटाइएगा साहब, नाम मिटा देने से, नाम बदल देने से यह पहचान नहीं मिटेगी। याद होगा कुछ साल पहले भारत में नोटबंदी की गई थी, केवल 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, नए नोट आ रहे थे, तब देश में हाहाकार मचा था, मंदी का दो दौर था, उससे निपटने के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन अगर अब नोट बंद कर दिए जाए, ड्राइविंग लाइसेंस बंद कर दिए जाए, आपके पासपोर्ट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इन सभी जगहों पर सुनहरे अक्षरों में, काली स्याही से, लाल स्याही से भारत और इंडिया दोनों लिखा है, तो क्या इन सबको बदल दीजिएगा? भारत करने पर जो जश्न मना रहे हैं और इंडिया का नाम मिटाने पर जो मातम मना रहे हैं, उन सबसे यह सवाल है कि क्या केवल नाम बदल देने से ये तमाम जो तस्वीरें मेरे पीछे दिख रही हैं, आपके आसपास, आपके घरों में आपकी पहचान बनकर तिजोरियों में, हिफाजत से फाइलों में, दस्तावेजों के रूप में जो पड़ी हुई हैं, उन सभी जगहों से कैसे इंडिया को हटा दीजिएगा? ये कई सवाल हैं। आखिर ये नाम, ये लड़ाई, इससे क्या हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, या इसके बदल देने से क्या लोगों का भला होगा? केवल इसलिए नहीं बदल दे, किसी चीज का विरोध इसलिए नहीं करें
कि उसका सहारा कोई दूसरे लोग लेते हैं। जब से विपक्षी दलों के गठबंधन ने इंडिया नाम रखा, तब से इंडिया नाम पर महाभारत छिड़ गया। बरसों से नहीं, सदियों से इस नाम से दुनिया के लोग जिसे जानते थे, जिसे पहचानते थे, उसे अब कुछ राजनीतिक दलों के गठबंधन ने इस कदर एक शक्तिशाली विश्व गुरु, सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में एक नाम के लिए बवाल मचा है और अब उसे बदलने की बात की जा रही है। कागजों में, दस्तावेजों में बदलने की शुरुआत हुई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या केवल नाम बदल देने से हम और आपकी पहचान बदल जाएगी? धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।